अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो,
मेरे लाड लो जागो, मेरे लाड लो जागो। आँखों के सामने मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने होना मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने के बिछड़े मिले जैसे हम थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद, मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो। आँखों के सामने होना मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने जैसे हो रहा महाराज हो। आँखों के सामने होना मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो। Exercise. The air. Was.
करते हो। और कितने समय में करते हो। मेरा कार्य और फरिश्ता thank you.
मैं चमकती हुई मस्तक मणि, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। देखते चले अपना स्वरूप और साथ में चिंतन भी। मुझसे चारों ओर शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। अभी शरीर को यहीं छोड़कर मैं आत्मा चली अपने धाम, अपने को उड़ता हुआ देखें ऊपर। केवल मैं आत्मा निराकार, पहुंच गई शांति धाम में। मैं अपने घर में हूं, डीप साइलेंस में शांत, जैसे कि शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। ऊपर, सबसे ऊपर चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा। बुद्धि के नेत्र से देखें उन्हें। मैं उनके एकदम समीप हूं, उनकी संपूर्ण एनर्जी
मुझ में समा रही है। यहां से मैं आत्मा वापिस अवतरित हुई अपनी देह में भ्रकुटी की कुटिया में। मैं महान आत्मा हीरो एक्टर विश्व कल्याण के लिए इस देह में अवतरित मैं फरिश्ता हूं। डबल लाइट, लाइट हाउस, माइट हाउस, बहुत हल्का, अंग अंग से लाइट और माइट फैल रही है। मैं फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म लोक आकाश के ऊपर। अपने को देखें आकाश के ऊपर, यहां चारों ओर सफेद प्रकाश, ये फरिश्तों की दुनिया। सामने बाप दादा, बहुत तेजस्वी स्वरूप, अंग अंग से तेज फैल रहा है। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं।
मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिए, बच्चे विजयी भव। श्रेष्ठ योगी भव, सफलता मूर्त भव। सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया, उनके हाथ से बहुत सुखदाई वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़कर चारों ओर फैल रही हैं। सारा
परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने वैसा इसको पाया। Thank you.
निश्चय करो मैं कौन, देह से न्यारी एक शुद्ध पवित्र शक्ति हूं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, पवित्रता मुझ आत्मा का निजी गुण है। मेरे संस्कार भी अति पवित्र हैं। पवित्रता ही मेरा स्वधर्म है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान पवित्र स्वरूप हूँ। मेरे पिता परमात्मा में पवित्रता का अखूट खजाना है। मैं आत्मा इस खजाने की अधिकारी हूं। मुझे अब स्मृति आई है कि जब मैं आत्मा परमधाम में शिव बाबा के पास थी तब मैं संपूर्ण पवित्र थी। फिर वहां से जब मैं आत्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुई तब भी मैं उसी संपूर्ण पवित्र स्वरूप में आई थी। मैंने देवात्मा के रूप में इस धरा पर जन्म लिया था। मेरा किसी से भी लगाव नहीं था, न देह के संबंधों में मोह था। मैं आत्मा अति पवित्र थी। परंतु धीरे धीरे मुझ आत्मा का देह के प्रति लगाव बढ़ा। मेरी पवित्रता की शक्ति क्षीण हो गई। अब मुझ आत्मा को फिर से पवित्र बनाने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। वे मुझे पावन बनाकर वापस परमधाम ले जाएंगे। वहां से मैं आत्मा देवात्मा के रूप में सतयुगी सृष्टि में पुनः जन्म लूंगी।
मैंने अब भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मैं आत्मा पवित्र अवश्य बनूंगी। मेरे पवित्र दिन आरंभ हो चुके हैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा को याद कर मैं आत्मा स्वयं में पवित्रता का अनुभव कर रही हूं। मैंने भगवान को अपना साथी बनाया है। इस जग को पावन बनाने का बीड़ा उठाया है। मुझे तो प्रकृति को भी शुद्ध करना है। मुझे सर्व आत्माओं को पवित्रता के प्रकंपन देने हैं। अब मुझ आत्मा को इस महानतम जिम्मेदारी का आभास हो चुका है। मैं आत्मा इस जगत की आधार मूर्त हूं। मैं पवित्रता का अवतार हूं। मेरी पवित्रता की ज्योति जग का अंधकार दूर करेगी। इससे अनेक आत्माओं को पवित्र बनने का मार्ग मिलेगा और अपवित्रता दुख और अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। पवित्रता की कितनी महानता है, ये केवल मेरे लिए नहीं अपितु सारे संसार के लिए है। मुझे पवित्रता की शक्ति स्वयं में बढ़ानी है। सारे विश्व की नजर अब मुझ आत्मा पर है। देखो, प्रकृति भी आह्वान कर रही है। स्वयं भगवान मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। उनका सानिध्य, उनकी पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा को भी पवित्र बना रही है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान अति पवित्र हूं। मैं आत्मा कर्मेंद्रिय जीत हूं। मैं माया जीत भी हूं। मैंने ऊंचे से ऊंचे भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मैं आत्मा पवित्र अवश्य बनूंगी। मुझे यह वचन जीवन भर निभाना है। मुझे तो विश्व को भी पावन बनाना है। शिव बाबा ने मुझ पर विश्वास रख कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे उसने अपना साथी बनाया है। मैं आत्मा शिव बाबा का स्नेह और सहयोग प्राप्त कर रही हूं। पवित्रता ही मेरे जीवन का श्वास है। मैंने कल्प कल्प विकारों को जीता है, अब भी जीत
निश्चित है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। पवित्रता के कारण ही मैं आत्मा पूज्य बनती हूँ। पवित्रता ही मेरी छत्र छाया है, पवित्रता ही मेरी रूहानी पहचान है, पवित्रता ही मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा इस पावन दृष्टि के प्रकाश में नहा रही हूं। पवित्रता के इस प्रबल प्रकाश में मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। पवित्रता का प्रकाश मेरे शरीर के अंग अंग में समा रहा है। मेरी एक एक कर्मेंद्री पावन होती जा रही है। वह शांत शीतल और सुगंधित भी हो रही है। मेरा संपूर्ण शरीर पवित्रता से प्रकाशित हो रहा है। फरिश्ते स्वरूप की प्रकाशमय काया में भ्रकुटी के मध्य मैं एक चमकता हुआ दिव्य प्रकाशमय पवित्र सितारा विराजमान हूँ। मैं एक प्रकाशमय फरिश्ता हूँ। बाप दादा वतन में मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं फरिश्ता उड़कर वतन में बाप दादा की भुजाओं में समा रहा हूँ। बाबा मुझे पवित्रता की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। परम पवित्र दिव्य सितारा शिव बाबा भी परम धाम में मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनकी पवित्रता की किरणें दूर दूर तक फैल रही है। मैं पवित्र आत्मा उनकी पवित्र किरणों में समा रही हूँ। आहा, पवित्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह अनुभव कितना निराला, कितना अद्भुत है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। अब मुझे इस श्रेष्ठ शक्ति को अपनी दृष्टि वृत्ति
और कृति द्वारा व्यक्त करना है, तब ही यह जीवन सार्थक होगा और सबका कल्याण होगा, मानव देव बन जाएगा और यह सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी।